दोस्तों हम लोगों ने अभी तक फोटोशॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स और बहुत कुछ देखा है। इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को फोटोशॉप का एक ऐसा ज़बरदस्त फीचर दिखाने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप कोई भी काम बहुत कम वक्त के अंदर शॉर्टकट के तौर पर कर सकते हैं। दोस्तों इस फीचर का नाम है एक्शन। जी हाँ, फोटोशॉप के अंदर हमारे पास एक ऐसा फीचर मौजूद है जिसकी मदद से हम कोई भी काम सेव करके रख लेते हैं एक एक्शन बना के, और फिर होता क्या है उसके बाद किसी भी और फाइल के ऊपर किसी भी वक्त हम उस एक्शन को यूज़ करके वो तमाम काम विद सिंगल क्लिक दोबारा कर सकते हैं। आप लोग इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देख रहे हैं, ये एक पोर्ट्रेट इमेज है एक लड़के का। अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा ट्रीट करूँ और मेरे पास वक्त कम हो और मेरे पास कुछ और ऐसे ही मिलते जुलते इसी शूट के या कुछ इससे मिलते जुलते इमेजेस हों जिनकी लाइट और जिनके जो डेमोग्राफिक्स हैं वो तकरीबन सेम ही हों, तो मुझे दोस्तों इस इमेज को ट्रीट बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज की ट्रीटमेंट को एक्शन बना के रिकॉर्ड करके फोटोशॉप में एज एन एक्शन सेव कर लूँगा, और उसके बाद इससे मिलते जुलते जितने इमेजेस होंगे उनके ऊपर सिर्फ एक क्लिक से रिपीट कर दूंगा। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और ये मैजिक मैं आपको सिखाता हूं कि हम फोटोशॉप में एक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। जी तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि ये मेरे पास दो इमेजेस पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अगर आप गौर करें तो इन इमेजेस की लाइट भी तकरीबन एक जैसी है और ये दोनों हैं भी पोर्ट्रेट इमेजेस और तकरीबन फेसेस भी मिलते जुलते हैं। तो चलें मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस एक इमेज को ड्रैग करता हूँ जो फोटोशॉप के अंदर, और अब मैं आपको बताता हूँ जी एक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं अपनी लेयर को जो है वो रीनेम करूँगा एज़ यूजुअल एज़ पर योर रूटीन। अच्छा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ, हमारे पास फोटोशॉप के अंदर जो एक्शन है ये विंडोज़ के अंदर मौजूद होता है, जिस तरह से हमें ब्रशेज और दूसरी चीज़ें विंडो वाले बटन में मिलती हैं, इसी तरह एक्शन भी विंडो वाले बटन में मौजूद होते हैं। जैसे मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये यह देखें हमारे पास एक्शन मौजूद है और इसकी जो शॉर्ट की है वो ऑल्ट F9 है। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा है एक्शन और आप इसको ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ विंडो में आएँ और यहाँ पे आके एक्शंस को क्लिक कर दें या ऑल्ट F9 प्रेस कर दें। अच्छा दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी डिफ़ॉल्ट एक्शंस। डिफ़ॉल्ट एक्शंस के साथ एक छोटा सा बटन है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कुछ मज़ीद एक्शंस बने हुए नज़र आ जाते हैं, और जैसे ही मैं इन तमाम एक्शंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता जाता हूँ, ये जो एरो है इस एरो को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों बेसिकली ये सेट ऑफ एक्शंस हैं जो कि सिंगल एक्शन के तौर पर हमारे पास यहाँ पे सेव हुए हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी एक को यहाँ पे ओपन करूँ और मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डिफरेंट एक्शंस हुए हुए हैं, और यानी लेवल्स कर्व्स बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हुई हैं और इसको रिकॉर्ड करके एज अ सेट ऑफ एक्शन यहाँ पे हमने रखा हुआ है। दोस्तों फोटोशॉप में कुछ एक्शंस हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं जो कि पहले से बने बनाए हमारे पास होते हैं, हमें खुद से उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम इनको फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद से एक एक्शन क्रिएट करेंगे और उसको फिर किसी दूसरे इमेज पे अप्लाई करके देखेंगे। तो दोस्तों चले मैं आपको बताता हूँ कि हम एक्शन क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे जिस तरह लेयर पैनल में नीचे आपके पास बटन्स होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ बटन्स हैं। एक बटन है ग्रुप का, बटन है ये है हमारा ग्रुप का। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये एक्शन बनाने वाला बटन है, इस पे ये रीनेम करने की ऑप्शन दे देता है, यानी ये नया सेट बनाने लगा है जी एक्शन का फोटोशॉप इस वक्त। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ जी पिक्स इफ़ेक्ट्स, ये मैं अपने से एक कोई नाम दे देता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त जो एक्शन देने लगा हूँ बनाने लगा हूँ वो पिक्चर के इफ़ेक्ट्स के हवाले से एक हम कोई क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे, और जैसे ही याद रखें ये बटन हम प्रेस करेंगे तो इस बटन को प्रेस करने के बाद हम जो कोई काम भी फोटोशॉप में कर रहे होंगे फोटोशॉप बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर की तरह हमारे उस तमाम एक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो चलें यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिक्स इफेक्ट 1, इसको 1 का नाम दे देता हूँ,
और रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ से आगे नाउ ऑनवर्ड हम जो काम भी करेंगे फोटोशॉप उसको रिकॉर्ड करने वाला है। अच्छा मैं इस पर कुछ बेसिक एडिटिंग जो है वो करूँगा यहाँ पे और उसका एक एक्शन जो है वो क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए मुझे फ़िल्टर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अच्छा जी अब दोस्तों मैं फ़िल्टर में आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है नॉइज़, जो कि वैसे तो ये वाली ऑप्शन हम बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन इस वक्त हम जो काम करने वाले हैं उसमें ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें ये ऑप्शन है जी रिड्यूस नॉइज़ की। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इससे होता क्या है कि नॉइज़ जो है इमेज के अंदर वो कम हो जाती है और इमेज हमारा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसमें मैं स्ट्रेंथ को कर रहा हूँ जी 100%। हमारे पास प्रीव्यू की ऑप्शन है, ये ऑन रखेंगे तो हम जो भी करेंगे हमें नज़र आएगा। स्ट्रेंथ को मैं इसमें 100% रख रहा हूँ, बाकी ऑप्शंस को मैं इस वक्त यूज़ नहीं कर रहा। थोड़ी सी मैं इसमें हल्की सी ये शार्पन डिटेल्स भी ऐड कर रहा हूँ और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ओके। अब ये देखें एक रिड्यूस नॉइस का फ़िल्टर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखूँ तो ये देखें इसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क जो है वो फेस पे पड़ गया हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ जनाबी अली सॉफ्टनिंग का, क्योंकि अभी इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ मैं इमेज को और स्किन को सॉफ्ट करने लगा हूँ। अब ये जो रिड्यूस नॉइस है इसको मैं रिपीट करूँगा। रिड्यूस नॉइस याद रखें फ़िल्टर गैलरी में जैसे ही आप कोई पिछला फ़िल्टर आपने जो लगाया होता है वो यहाँ पे आपके पास ऊपर दोबारा ऑप्शन के तौर पे आ रहा होता है, तो वही वाली सेटिंग्स है पहले वाली और उनके साथ मैं इसको रिपीट करता हूँ। और ये देखें आप देख सकते हैं कि इमेज जो है हमारा ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अच्छा जी अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस लेयर को करता हूँ जी डुप्लीकेट कंट्रोल जे के साथ। जैसे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे ये डुप्लीकेट हो जाएगी। अब हम जनाब यहाँ पे आएंगे फिल्टर में और यहाँ पे हमारे पास अदर वाले ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है जी हाई पास। ये देखें जी हाई पास क्या करता है, ये डिटेल्स ऐड करता है, लेकिन याद रखें हम जितनी ज़्यादा इसमें डिटेल ऐड करने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा ये कुछ साथ मसले मसाइल भी लेके आएगा। सो हम इसमें तकरीबन यहाँ तक इसको रखते हैं जी और मैं ओके प्रेस करता हूँ। तकरीबन 7 की वैल्यू मैंने इसके ऊपर रखी हुई है। याद रखें कि ये मैंने अपनी यही वाली नीचे वाली लेयर जो है उसी को मैंने डुप्लीकेट किया और उसके ऊपर अब मैं जो है वो पहले मैंने सॉफ्टनिंग अप्लाई की थी, अब मैं इस पर शार्पनिंग अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ जी शार्पनिंग के नाम से। ये देखें गौर कर रहे हैं आपके यहाँ पे, ये मैंने जान के यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ओपन रखी हुई है ये विंडो ताकि आप देखें कि जो हम काम यहाँ पे करते जा रहे हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता जा रहा है इस वक्त। अच्छा जी अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा मैं यहाँ से इमेज में आऊँगा एडजस्टमेंट्स में, यहाँ पे हम जनाब अली ह्यू सैचुरेशन में जाके सैचुरेशन थोड़ी सी कम करते हैं, ज़रा इमेज को डीसैचुरेट करते हैं। और अब हम जनाब अली हम यहाँ से फिल्टर में जाके दोबारा हाई पास जो है ये अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। ये देखें ये दो बार हमने हाई पास अप्लाई कर चुके हैं हम, और अब यहाँ से हम क्या करेंगे नॉर्मल में जाके अपना जो ब्लेंडिंग मोड है इसको हम चेंज करेंगे। हम डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड जो हैं वो ट्राई करके देख सकते हैं कि डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स के साथ हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। देखें ये फेस को मैंने जूम इन करके रखा हुआ है, अब हमें वो वाला ब्लेंडिंग मोड चाहिए जिसमें कि हमारा इमेज थोड़ा सा शार्प लगे, तो ये विविड लाइट के अंदर ये हमारा जो इमेज है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है तो अब इसको अगर हम जूम इन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है ये सॉफ्ट किया पहले हमने और उसके बाद हमने इसको शार्प किया। ठीक है जी तो दोस्तों ये जो हम करना चाह रहे थे इसके साथ वो हमने कर लिया है। अब ये जो एक बटन है रिकॉर्ड के साथ वाला ये है जी स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन, इस पर मैं आके क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं इस पर आके क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा ये जो पूरा एक एक्शन है ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ मैं ये वाला इमेज बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ जी जो दूसरा इमेज मैंने ये रखा हुआ था। अब मैं आपको वो मैजिक दिखाने लगा हूँ जिसके लिए बेसिकली हमने पूरा ये एक्शन वाली कहानी जो है ये समझी है। दोस्तों अब आप क्या करेंगे इस इमेज के ऊपर आप सिंपली आके यहाँ पे ये प्ले का बटन प्रेस करेंगे एंड दैट्स इट यू आर गुड टू गो। आप देख सकते हैं कि ये तमाम प्रोसेस जो हमने पिछले अपने इमेज पे इतनी मेहनत के साथ किया था वो सिर्फ एक सिंगल क्लिक से प्ले के बटन से हमारे इस नए इमेज के ऊपर वो तमाम प्रोसेस हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्शंस जो हैं वो बनाते हैं और उनको यूज़ करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा इस लेसन के अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप में एक्शंस बनाने सीखे
और हमने ये सीखा कि हम किस तरह से किसी भी अपने अमल को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उसके बाद सिंगल क्लिक के साथ किसी भी इमेज पे या किसी भी लेआउट पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फोटोशॉप का एक बहुत ही सेलेंट फीचर है, बहुत ज़बरदस्त फीचर है, जो कि आपने लाजमी यूज़ करना सीखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे इस लेसन के साथ हमारे जो Adobe Photoshop के लेसन थे वो तकरीबन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स हैं उनको स्टडी किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन टेक्निक्स की समझ आई होगी। आप लोगों ने अब इन टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये आपके लिए आगे बहुत काम आने वाली टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन के अंदर मुलाकात होगी ग्राफिक डिज़ाइन के किसी और सॉफ्टवेयर या किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।